दूं कि ये घटना है एनआर रेलवे से, वो भी भाई अप्रेंटिस कर रहे थे दिल्ली से, और उनकी फोटो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप लोग देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से, मतलब उनका फेस से लेकर पूरी बॉडी खराब हो गई। क्या बस एक साल के अप्रेंटिसिप, क्यों अप्रेंटिसिप भैया कर रहे थे कि अरे यार अप्रेंटिसिप कर लेंगे, हमारी भी कहीं ना कहीं हो सके तो लेवल 1 में जॉब लग जाएगी और घर की कंडीशन के साथ साथ हमारा भी भविष्य बेहतर दिशा में चला जाए। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता चले, इसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी है। चैनल पे आप देखेंगे ना, अगर एग्जाम का कैलेंडर जारी हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, आपको वीडियो एक, अगर आप उस मुद्दे को उठाओगे तो वो रेल मंत्री तक जरूर जाएगा, और वो जाएगा कैसे यार, हम साथ में है ना, सारे बच्चों की कम्युनिटी एक साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज आप लोग देख सकते हैं हमारा क्या टॉपिक है यार, बहुत ही एक दुखद घटना है जिसके बारे में वीडियो में आज हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को यार अगर देखना हो तो पूरा देखना, नहीं तो अभी आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना और हमारे भविष्य के लिए भी ये खतरे का संकेत है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु के साथ अत्याचार ऐसा हुआ है दोस्तों। वाकई में मैं आपको बता दूं कि मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं एनआर रेलवे लखनऊ से जो है अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ, और ये अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु के साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि क्यों क्यों इस चीज से हमें सीख लेनी चाहिए। वो आज जो चीजें उसके साथ हुई है वो भविष्य में हमारे साथ भी हो सकती है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये घटना है एनआर रेलवे से, वो भी भाई अप्रेंटिस कर रहे थे दिल्ली से, और उनकी फोटो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप लोग देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से, मतलब उनका फेस से लेके पूरी बॉडी खराब हो गई। क्या बस एक साल के अप्रेंटिसशिप, क्यों अप्रेंटिसशिप भैया कर रहे थे कि अरे यार अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, हमारी भी कहीं ना कहीं हो सके तो लेवल 1 में जॉब लग जाएगी और घर की कंडीशन के साथ साथ हमारा भी भविष्य बेहतर दिशा में चला जाएगा, इसीलिए भाई ने अप्रेंटिसशिप करना शुरू किया। और देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से, मैं बता दूं वो भाई काम कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उनको मिला था, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में उनका लग रहा है, जैसे बॉडी को देख के मैं बता रहा हूँ गेस करके, कि ऐसा लग रहा है जैसे शॉर्ट सर्किट हुई हो और करंट की वजह से उनकी हालत बहुत ही बदतर हो गई है। बाकी अभी तो हम उनके पास है नहीं कि बता पाएंगे उनकी क्या हाल है, बट ये देख के यार हम ये लोग कह रहे हैं ये कि हमें मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती। एक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु से आप जब इतना काम करा रहे हो तो मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं दी जा रही। दो बातें हैं इसमें दोस्तों, पहली तो ये है कि अगर अप्रेंटिसशिप को मेडिकल सुविधा नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो उससे आप काम बिल्कुल नहीं ले सकते, और आप काम उससे पूरा ले रहे हैं तो इसका मतलब कि उसे आपको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दोस्तों आप जहां भी काम कर रहे हो, जिस भी जोन से, जिस भी डिवीजन से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी खुद से रखें तो बेहतर होगा। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आपको ये चीजें पता चले, इसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी, क्योंकि जो आज दुर्घटना उस भाई के साथ हुई है भविष्य में हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि भविष्य को ही देखा नहीं कि क्या होने वाला दोस्तों। तो ये बात रेल मंत्री तक पहुंचनी चाहिए यार, एक अप्रेंटिसशिप एक बच्चे का सवाल नहीं है, अप्रेंटिस करने वाले लड़कों की तादाद अच्छी खासी है। तो आप अगर एक कम्युनिटी में एक साथ जुड़ेंगे और एक मुद्दे को काफी हाई लेवल पर लेके जाएंगे तब आपकी सुनवाई होगी कि मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है तो अप्रेंटिस मत कराओ ना, फिर एक साल के अप्रेंटिसशिप के बदले पता नहीं उसे अभी जॉब मिलती या ना मिलती, बट उसकी तो जिंदगी चली गई है। और आप अभी लोग देख रहे हो ना, ये नीचे जो यूट्यूब चैनल का मैं नाम लिखा हूँ, वीडियो को देखते रहो, जाना मत अभी, अभी तो सारा गेम मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से चल रहा है, यूट्यूब पे लोग क्या कर रहे हैं। अभी ये एक सर है आदरणीय हमारे प्रिय सर हैं, इनके चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा, बट इसीलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्यों लिख रखा हूँ, इनके चैनल पे आप देखेंगे ना, अगर एग्जाम का कैलेंडर जारी हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, आपको वीडियो एक घंटे के अंदर, एक घंटे तो ज्यादा मैं बता दिया, अभी नोटिस मिली आधे घंटे के आपको अंदर वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ये नहीं करोगे तो एडमिट परीक्षा नहीं दे पाओगे आप, एडमिट कार्ड आपका ऐसा रहना चाहिए तब आप पेपर दे पाओगे। इसके लिए इनके पास समय है, पर्याप्त समय है, क्यों समय, वो जान रहे हैं कि बच्चा इंतजार कर रहा है कि वीडियो देखेगा ही देखेगा, बट उनके पास ये नहीं समय है कि ऐसी दुखद घटना हुई है तो हमारे पास इतने प्रशिक्षु हमसे जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम, तो इस पे भी एक वीडियो बनाएं ताकि इस बच्चे के साथ साथ सारे बच्चे का भी भविष्य जो है एक अच्छी दिशा में जाए, इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे। आप देख लोगे ना इनके चैनल, इनका चैनल आप खोलिए और इनके चैनल पर आप देखेंगे कि अगर जो है आपका अभी एग्जाम होने वाला है ना, ITI एग्जाम पे आपको 3 वीडियो मिल जाएंगी, रेलवे अप्रेंटिसशिप यहाँ से निकली, ऐसे भरे फॉर्म, ये करे वो करे फलाना ढिकाना करके आपको सारी चीजों का वीडियो मिल जाएगा। क्यों बना रहे हो आप ऐसी सारी वीडियो, मैं बता दूं मैं खुद इन्हीं के चैनल से तैयारी किया था और इनको बहुत ही बेस्ट टीचर मैं मानता था, बट आज ये भी एक तरीके से ये कह रहा हूँ कि ज्ञान को यार बिजनेस में ना करो, क्योंकि ज्ञान एक अलग चीज है, शिक्षा एक अलग चीज है और बिजनेस एक अलग चीज है। आपके पास इतना समय नहीं कि अगर एक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु के पास ये जानकारी आ सकती है तो आप उस फील्ड में तो बहुत आगे हैं, तो आपके पास ये जानकारी नहीं गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। पर आपके पास आपके बिजनेस में आपका जो काम है उसके प्रति आपको एक भी, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का भी आपके पास समय नहीं मिला कि इस पर 5 ही मिनट का वीडियो बना दे, क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि यार वीडियो बनाओ, कहाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर इनके लिए आपके पास 5 मिनट का समय नहीं था कि एक 5 मिनट के आप वीडियो बना लेते और बताते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप आवाज उठाओगे, आपके पास ऑडियंस जो है ज्यादा है,
आपके साथ बच्चे ज्यादा जुड़े हैं। अगर आप उस मुद्दे को उठाओगे तो वो रेल मंत्री तक जरूर जाएगा, और वो जाएगा कैसे यार, हम साथ में है ना, सारे बच्चों की कम्युनिटी एक साथ होगी, आप शुरू तो करिए, अगर हम ना जुड़े तो हमारी फिर गलती है। अगर सारे बच्चों के साथ ऐसे ही रेलवे अप्रेंटिसशिप में काम कराया जाता रहेगा तो क्या होगा, एक ना एक दिन ये घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि घटनाएं बता के कभी नहीं आती कि अब आपका ये होने वाला। तो इस चीज को समझिए आदरणीय सर। अगर देखो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि इनके तक पहुंचे और ये चीज इनको समझ में आए कि हमारा यही काम नहीं है कि बच्चों को आईटीआई तक आईटीआई करवा दिया, अप्रेंटिस का फॉर्म निकले, बच्चों अप्रेंटिस फॉर्म भर दो करके घर बैठ जाओ, उनको रोजगार देने तक हमारा साथ रहना चाहिए। और अगर हमारे बच्चे हमसे जुड़े हैं तो वो भी हमारा एक बच्चा ही था, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा तो उसके प्रति हमें कोई मुहिम चलानी चाहिए ताकि भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अभी भी रेलवे में इतने सारे पद खाली हैं, इतने सारे पद कि जितने अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, अगर चाहे सरकार तो जीएम पावर के थ्रू उनको ले सकती है, पर नहीं ले। क्यों? क्योंकि हर साल वो लगभग कम से कम 20,000 से प्लस, यार हर जून से मैं बता दे रहा हूं आपको, 20,000 प्लस बच्चों को अप्रेंटिस करवाती है। और 20,000 बच्चे अगर सोच लो एक रेलवे डिपार्टमेंट में जाके रेलवे का काम कर रहे हैं तो उसका कितना फायदा हो रहा है। अगर वो टेक्नीशियन से काम करवाती है तो टेक्नीशियन को कितना, कम से कम बेसिक सैलरी मैं बता रहा हूँ 30,000 प्लस है। हम लोग खुद टेक्नीशियन सर के साथ काम करते हैं तो हम लोगों को पता है वो चीजें। सोच लो एक बच्चा का 30,000 सैलरी है, उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लो कि कितना फायदा हो रहा सरकार का, तो क्यों देगी वो भाई जाओ। तो ये बात आप सरकार को बताओ कि हम इस पात्र हैं, हमें लिया जाए, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो ऐसे ही अप्रेंटिस करके बैठ जाओगे भाई और फिर कहोगे जी हम पावर लागू करो करते करते कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही जैसे भगवान ना करे कि और किसी के साथ ऐसा हो, अगर ऐसा हो गया तो इसका तो अब लाइफ गया ना पूरा, क्या करेगा ये जॉब लेके, अगर इसे कोई जॉब दे भी दी जा रही है तो क्या करेगा, इसका बॉडी पहले जैसे हो जाएगा भाई का। तो तरस आना चाहिए यार। आप लोग अगर कम्युनिटी बनाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो के इन तक पहुंचती है, अगर कोई मुहिम शुरू की जाती तो मैं उसमें सबसे पहले आगे रहूंगा, इतना मैं कर सकता हूं। एक अप्रेंटिस प्रशिक्षु मैं भी, मैं उस बात को समझ रहा हूँ, उस फीलिंग को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे आगे खुद रहूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अगर इस पे कुछ भी रिस्पॉन्स आता है तो मैं जरूर एक मुहिम शुरू करूंगा और ट्विटर के जरिए ट्वीट करके रेल मंत्री तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि देखिए रेल मंत्री जी अप्रेंटिस प्रशिक्षु के साथ कैसा अत्याचार किया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। बाकी मेरे चैनल पर फेक वीडियो नहीं बनाई जाती है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, एक ही रिक्वेस्ट, वैसे बहुत सारी वीडियो आप लोग इधर उधर शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी तो शेयर करिए। अगर कोई भी मुहिम चालू करनी पड़ती है तो मैं सबसे आगे रहूंगा, ये लास्ट में भी मैं कह रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।